पहले आप सबको सलाम आदाब। मैं आज यहाँ एक रिकॉर्डिंग के लिए हूँ और ये गाना आजकल वीडियो का दौर है, वीडियो सॉन्ग्स सिंगल्स, तो ये उसमें से एक है और बहुत ही प्यारा रोमांटिक गाना है। और नीर नीर ने लिखा है, एलन कश्यप, एलन कश्यप ने कंपोज किया है और नील सोलंकी ने इसे लिखा है। तो बहुत ही टैलेंटेड नए लोग हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नए लोगों के साथ काम करूँ और मैं भी आगे बढ़ूँ, उनको भी आगे बढ़ाऊँ, कोशिश करता हूँ। बाकी ये भी पूछना चाहूँगा कि और जो टीम से जुड़े लोग हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, निर्माता, निर्देशक और जो कलाकार हैं? देखिए, टीम तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी राहुल इसमें एक्टिंग करने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं वो, और उसमें सोनाली भी बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। तो ये वीडियो, आई होप जब कैरेक्टर एक्टर अच्छे होते हैं तो गाने को एक ज़िंदगी मिलती है। और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रही है। लास्टली जानना चाहूँगा कि हाल ही में आपको मालूम है कि सलमान सर और अरिजीत सर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो छोटे मोटे होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में, वो दूर कितना ज़रूरी होता है? मेरे हिसाब से ये जो खट्टी मीठी चीज़ें होती रहती हैं, होती रहनी चाहिए, क्योंकि प्यार भी तभी पता चलता है जब कुछ खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो खुश हूँ कि वो साथ में काम कर रहे हैं और भी ज़्यादा काम करें, क्योंकि दोनों महान टैलेंटेड लोग हैं। असली आपका इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत दिल से करीब हो, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आगे चल के कामयाब? फिलहाल तो कुड़माई सुनिए आप, कुड़माई चल रहा है नेट, अपना रॉकी अंबानी की प्रेम कहानी का गाना, बहुत प्यार मिल रहा है इसका और डेली काफ़ी सारे व्यूज़ उसके बढ़ जाते हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि वो गाना बहुत अच्छा पिकअप हुआ है एंड प्रीतम दा ने उसे बहुत अच्छा कंपोज किया, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, तो करण जोहर साहब की फिल्म है। तो अभी आने वाले जो गाने हैं वो अगेन मैं आएंगे तब बताऊंगा आपको। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जब गाना हमारे पास आया, एलन कश्यप ने जब मुझे गाना सुनाया, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आदमी का वॉइस था इस गाने के लिए और वो थे शाहिद बाजा। मेरे मन में हमेशा चलता था कि शाहिद भाई के साथ ये गाना करेंगे, क्योंकि उनका जो आवाज़ है और इस गाने में जैसा आवाज़ चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही लग रहा था। और सोनाली जो हमारे इस म्यूजिक वीडियो की हीरोइन है, इनका भी मतलब मन था कि शाहिद मालिया ही इस गाना को गाए। और फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उन्हीं से बात करें। अब अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला और फिर हमारे गाने के लिए समय निकाला इन्होंने, और आज हमारी रिकॉर्डिंग हुई। बहुत ही अच्छा गाना गाया है इन्होंने और सुन के बहुत अच्छा लग रहा था हमें। बताओ सुनील, तुमको कैसा लगा? शाहिद मालिया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर, और मैंने इनको बोला था कि ये गाना मैं चाहती हूँ कि शाहिद मालिया गाए, और ये मेरा फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है, तो मतलब बहुत खुश हूँ मैं कि ये सिंगर शाहिद मालिया गाए। ये मेरा पहला म्यूजिक एल्बम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं एज ए एक्टर, एज एन एक्टर मैं काम कर रहा था, अभी मैं एज ए राइटर डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। रुद्रा स्टूडियो को ऑन करता हूँ मैं, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। और ये गाना मैं जब मेरे दिमाग में आया कि हम लोग एक म्यूज़िक वीडियो करते हैं, तो एलन कश्यप बहुत ही लेटेस्ट और अच्छे गाने लिखता है वो, और वो मुझे बहुत दिनों से जानता है, तो उसने मुझे बताया कि भैया मेरे पास कोई अच्छा गाना होगा तो मैं आपको बताऊँ। जब उसने ये गाना बताया तो मैंने सोनाली से डिस्कशन किया कि सोनाली, अभी रिसेंटली इसने एक फिल्म करी है जरीना जी के साथ, तो उसके बाद हमारी मतलब मैंने ही उस फिल्म को डायरेक्ट किया है और मैं उसमें लीड एक्टिंग इन्होंने किया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक म्यूज़िक वीडियो किया जाए अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बीच में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो करने जा रहे हैं, उससे पहले हमने सोचा कि एक म्यूज़िक वीडियो करते हैं, और म्यूज़िक वीडियो क्या एक लव सॉन्ग ही हमारे माइंड में, क्योंकि सभी लोग सैड सॉन्ग कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हैप्पी एंडिंग वाले सॉन्ग को करते हैं। और एलन को हमने बताया कि हमारे थॉट्स ऐसे, हमारी स्टोरी ऐसी, तो एलन ने एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमको दिया। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसके साथ गवाना है, तो शाहिद भाई का नाम आया और फिर प्लान आज रिकॉर्ड हो गया हमारा गाना, और इसी मंथ में हम लोग इस गाने की वीडियो शूटिंग कर लेंगे। बाकी एक्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या करने वाली है, उसमें कैसा काम करेंगी। बोलिए सोनाली जी। Obviously, I will give my best, और बाकी तो ऑडियंस के ऊपर है, उनका प्यार, उनका सपोर्ट, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
एंड